आखिरकार नीलेश मुखिया के हत्यारे पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय के खिलाफ पुलिस ने उनके मकान के ऊपर इश्तहार लगाया और ढोल नगाड़े के साथ ऐलान किया कि अगर पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय अपने आप को समर्पण नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की की जाएगी। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 22 बी पार्षद सुचित्रा सिंह के पार्षद पति पूर्व बीजेपी नेता नीलेश मुखिया के बीते दिनों 31 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें गिरफ्तार शूटरों ने पुलिस के समक्ष यह इकबालिया बयान दिया है कि नीलेश मुखिया के हत्या के लिए उन्हें पप्पू राय, धप्पू राय और गोरख राय ने सुपारी दी थी। फिलहाल इस केस में यह तीनों आरोपी अब तक फरार हैं। आज पुलिस उनके दरवाजे पर ढोल बजाते हुए इश्तेहार लगाया कि अविलंब अपने आप को समर्पण करो, नहीं तो आपके घर की कुर्की करेंगे। सुनो, नीलेश प्रसाद हत्याकांड में न्यायालय से पप्पू राय, राजकुमार राय उप धप्पू राय एवं गोरख राय तीनों पिता स्वर्गीय महेंद्र राय निवासी कुर्जी गेट नंबर 65 थाना दीघा जिला पटना के विरुद्ध इश्तेहार निकला है। यदि ये लोग कोर्ट में सरेंडर नहीं करते हैं तो इनका अचल संपत्ति कुर्क किया जाएगा। सर, इसमें अपडेट क्या है नीलेश मुखिया वाले मामले में? बिहार छोड़ के भाग गया, अपडेट क्या है? नहीं, अभी ये भी इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है कि अभी वो कहाँ पर हैं। हाँ, उनका कुछ लोकेशन मिला है जिस पर हम लोगों ने टीम भेजी हुई है और बहुत जल्दी वो पकड़े जाएंगे। साथ ही हम लोगों ने कानूनी प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी है, वारंट प्राप्त कर लिया। हम लोगों का प्रयास होगा कि एक हफ्ते के अंदर इसमें कुर्की भी हासिल कर ली जाए ताकि हम कानून का शिकंजा उन लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जितने भी नेम अक्यूज थे उन सबके खिलाफ सिलेंडर नहीं करेंगे तो कुर्की की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी।